नमस्कार, मैं पवन पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जबलपुर में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। जी हां, इस वक्त हम चौपाटी में मौजूद हैं, जहां लोगों को आप देख सकते हैं कि आज शाम होते ही यहां पर लोग लजीज व्यंजनों का लुत्फ लेने आए हैं। जैसा स्वाद लोगों को खाने पीने में मिलता है, वैसा ही कुछ स्वाद लोगों को चटपटी बातों में भी मिलता है। और अगर बात राजनीति की हो तो उसको लेकर लोगों का अलग ही उत्साह रहता है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है। सर, चुनाव का माहौल शुरू हो गया है। भाई, चुनावी खेल जो है ना, कि जैसे वर्ल्ड कप होता है तो सारी टीमों को बराबर बराबर राउंड दिया जाता है, फिर उसके बाद वो क्वार्टर फाइनल में आती, सेमीफाइनल में फाइनल। यहाँ तो सिर्फ फाइनल में बीजेपी है और कोई है ही नहीं। चलिए सर, हमारे साथ और भी लोग हैं, चौपाटी है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का यहाँ आना जाना लगातार लगा रहता है और लोग शाम होते ही व्यंजनों का लुत्फ लेने के लिए आते हैं। सर, इस समय चुनाव का माहौल है, युवा हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो अभी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। महिलाएं भी हैं, मैडम मोदी जी ने काफी कुछ महिलाओं के लिए भी किया है, तमाम योजनाएं हैं, सिलेंडर में अभी कुछ दिन पहले 100 रुपए कम कर दिए। इसके अलावा महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने का अवसर दिया जा रहा है, तमाम जितने भी कार्य क्षेत्र हैं वहां महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही। क्या लगता है आपको कि वाकई में जो कुछ दिख रहा है या बीजेपी बोलती है? हाँ, हो तो रहा है। काफी हमारे यहाँ महिला पार्षद है, महिला बहुत सारी, मतलब चुनाव से लेके हर क्षेत्र में देखा जाए कि शिक्षा से लेके, हर राजनीति से लेके, हर एरिया में महिलाएं आगे हैं इस समय। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर्स मोदी कैबिनेट में भी हैं, तो महिलाओं को मौका तो दिया जा रहा है। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव सामने है, बीजेपी कांग्रेस के साथ बाकी दल भी हैं, क्या लगता है बीजेपी कितनी भारी है, कांग्रेस और बाकी दल कितने नंबर कितने देंगे? मैं तो 8 या 9 ही देना चाहूंगी, मोदी आएंगे फिर से। क्या वजह है ऐसी, सभी मोदी को पसंद करते? काम दिख रहा है सर, यहाँ पे जो आसपास आप रोड्स देख रहे हो, डेवलपमेंट देख रहे हो, स्मार्ट सिटी देख रहे हैं, ये सारी चीजें पहले नहीं थी। मतलब पावर जो है, बिजली है, सिलेंडर है, सारी चीजों में हमको इम्प्रूवमेंट मिला है। और जो एक मिडिल क्लास पर्सन है उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम पैसे पहले हम पे करते थे बट हमको उसका रिवर्ट नहीं मिलता था, अब हम जितना पे कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उसका रिवर्ट हमको मिल रहा है। कांग्रेस फैसिलिटीज मिल रही है। कांग्रेस कहती है कि देश में महंगाई बढ़ गई है, इस तरह ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, रोजगार नहीं है, तमाम तरह के आरोप लगाती है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, क्या आप? अब देखिए, एक एज अ कॉमन मैन मैं सोचती हूँ कि ठीक है जो भी हो रहा है, बट रिजल्ट जो है दैट मैटर्स अ लॉट, है ना, तो वही मेरा कमेंट रहेगा उसके लिए। इस बार फिर से जो चुनाव है, इसमें क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं? कौन? कांग्रेस तो बहुत लाइट है इस बार, बीजेपी आएगी मुझे लगता है। हाँ जी, तो महिलाओं का भी कहना है कि बीजेपी भारी पड़ती दिख रही है बाकी दलों के ऊपर और मोदी जी ही आएंगे। और भी लोग हैं, चर्चा करते हैं, तब तक आप चौपाटी के नज़ारे देखिए, क्या है यहाँ पर लजीज, क्या आज चौपाटी पहुँचे हैं, क्या पसंद है वैसे चौपाटी? चौपाटी में सभी कुछ पसंद है, जब जो मूड हो जाए सब मिल जाता है यहाँ। सभी फेवरेट? फेवरेट में फुल्की, यहाँ चाट फुल्की, चाट फुल्की। व्यंजनों की तो बात हो गई, अगर राजनीति की बात करें तो क्या फेवरेट है? मोदी जी फेवरेट है। वजह काम दिखता है और बड़े बड़े जो मुद्दे सॉल्व नहीं हो पाए थे कई सालों से वो हो गए सॉल्व, है ना। और जबलपुर का भी प्रोग्रेस हो ही रहा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ से रोडें तैयार हो रही हैं, गांव-गांव तक की रोडें बन चुकी हैं और एक देशभक्ति का जुनून भी चढ़ा हुआ है लोगों पे जब से मोदी जी आए हैं। ये सारी चीज़ें जो आपने बताई, क्या कांग्रेस के समय में ये सारी चीज़ें नहीं? ऐसा तो ये देखिए ना, अभी जो फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं तो 70 साल कांग्रेस थी, बने क्या कभी? हर छोटे छोटे शहरों में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है सभी जगह। और जो बड़े मुद्दे तो अलग हैं, जो 370 राम मंदिर, ये भी 70 साल पुराने थे आज़ादी के समय से, वो भी सॉल्व हो गए अभी। अच्छा, अब जो परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस कहती है कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन ना वो सरकार पूरी कर पाई थी ना ये भी कोशिश में लगी हुई है ना। बेरोजगारी हमेशा पूरी तरह तो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से रोजगार नहीं बढ़ सकता, लेकिन काफ़ी हद तक लोग खुश हैं, 90% जनता आपको खुश दिखेगी, ऐसा कभी हुआ नहीं पहले।
कांग्रेस जिस तरफ से आरोप लगाती है, क्या लगता है ये आरोप सही भी है या बस एक चुनावी? कांग्रेस को तो आरोप लगाना जरूरी है, आरोप नहीं लगाएगी तो राजनीति कैसे करेगी, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दे नहीं आरोप के अलावा, है ना। जनता सबसे बड़े, जनता खुश है तो फिर अगर जनता खुश नहीं होती तो दो बार सरकार कैसे बनती है। अच्छी बातें कर रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में बीजेपी से आशीष दुबे जबलपुर से हैं, कांग्रेस से दिनेश यादव आमने सामने हैं, कौन भारी है, किसका लगता है कि जनता से ज़्यादा चुनाव? नहीं, दुबे जी भारी पड़ेंगे उनके ऊपर, क्योंकि अभी जो लोकसभा के चुनाव इसमें आदमी 80% तो निगाहें मोदी जी पे रहती है, वहाँ से वोट डलता है ना, क्योंकि उनको ध्यान रख के वोट डलता है पहले। और जो विधानसभा चुनाव था उसमें लोकल मुद्दे थे, है ना, लेकिन अभी तो टोटल मुद्दे अपर लेवल के हैं, मतलब देश हित के लेवल के, और जो मोदी जी कर पा रहे हैं हमेशा। आखिरी सवाल है, जबलपुर के लिहाज से अगर बात करें तो क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जबलपुर के विकास के लिए और क्या करना चाहिए? जो भी जबलपुर के लिए भी ये इंडस्ट्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, जिससे रोजगारी उसी से मिल सकता है इंडस्ट्री से, बाकी और कोई दूसरी चीज़ तो है नहीं जिससे रोजगार मिले, तो इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा है उसी से ज़्यादा जरूरी है जबलपुर के लिए। तो ये हैं जबलपुर के नागरिक जो बेहद जागरूक हैं, तमाम चीज़ों की बेहद गहरी समझ भी रखते हैं, राजनीतिक दलों की, नेताओं की और शहर के मुद्दों की। उनका कहना है कि शहर में इंडस्ट्रीज़ की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, यानी जो जबलपुर में अभी तक इंडस्ट्रीज़ रही हैं उसके अलावा इनके डेवलपमेंट के लिए सरकार को सोचना चाहिए, और इसके साथ साथ और भी नई इंडस्ट्रीज़ जबलपुर में लगाई जा सकें। सर, एक बेहद दिलचस्प जो है चुनावी माहौल बना हुआ है, बेहद रोचक मुकाबला अगर कहा जाए तो इस बार का मुकाबला बेहद रोचक लग रहा है, क्योंकि दोनों ही दल जोर आजमा रहे हैं, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्यों लगता है? जिसको देखो वही कहता है बीजेपी। कांग्रेस में क्या कमी है, प्रत्याशियों में कोई कमी? ये नहीं बता पाएंगे। कमी कुछ नहीं है, कमी ये है कि ऐसा लगता है मुझे कि विपक्ष हमारा थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से सारे जो आपस में पहले लड़ते थे ना, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बुराई करते थे, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को गाली देते थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे कुछ कमी सी दिखती है कि केवल मतलब के लिए आप एक साथ आ रखे हो, मतलब जो पहले एक दूसरे की मेज थी ना वो खराब हो रही है, कि मतलब के लिए सारे दुश्मन एक साथ हो गए। किसी पार्टी को मैं खराब नहीं कह रहा हूँ इंडिविजुअल, लेकिन जब जो एक दूसरे को कल को गाली देते थे वो आज सबके दोस्त हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इससे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, इस बार कांड नीतीश कुमार ने भी किया बिहार में, कि कभी आरजेडी के गोद में बैठ रहे हैं, कभी आप बीजेपी के गोद में बैठ रहे हो, तो उससे इमेज एक जो उनकी थी वो खराब हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में भी जेडीयू एटलीस्ट उसको ज्यादा फायदा नहीं होगा, वो बीजेपी के दम पे ही चुनाव लड़ सकती है। अगर मुद्दों की बात की जाए तो कौन से मुद्दे ऐसे लगता है कि जिसके कारण बीजेपी को फायदा हो रहा है और कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? मुद्दे जैसे आप सड़क में देख लो, गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया है पूरे देश में, उन्होंने अपने एरिया में तो काम किया है, बहुत सारे एरिया में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन अगर महंगाई के उसमें देखा जाए तो महंगाई पे तो अच्छा नहीं कर पा रही है बीजेपी, फिलहाल कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जैसे इन्होंने जो नोटबंदी भी किया था उसमें भी पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ, वो बस एक दिखाने के लिए हो गया कि हमने नोटबंदी किया, लेकिन पब्लिक को तो कोई फायदा नहीं हुआ। जीएसटी से भी कोई फायदा नहीं हुआ, बढ़ाई है रेट, कोई रेट किसी भी चीज़ का रेट कम नहीं हुआ, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, सब कुछ महंगाई ज्यादा हो गई है मेरे हिसाब से। आम आदमी को जो है महंगाई से काफी फर्क पड़ता है, अगर बात करें, अगर आप पे तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल, लीजिए व्यंजनों का स्वाद भी लेते रहिए, हम फिर भी बात करते रहेंगे। अगर मुद्दे की बात करें, राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, राम मंदिर तो अच्छी चीज है, ये इसका है, राम मंदिर तो अच्छी चीज है, वो तो बहुत दिनों से खैर ये मैटर फंसा हुआ था तो उसपे तो, हालांकि इसमें किसी पार्टी का मैं वो नहीं कहूंगा, इसमें तो कोर्ट का डिसीजन आया था तो कोर्ट के डिसीजन से हुआ, बट ये बीजेपी के कार्यकाल में हुआ तो बीजेपी तो राजनीति है चूंकि तो फायदा तो उठाएगी, कांग्रेस भी होती तो वह भी फायदा उठाती, तो उसमें तो इनको अच्छा, यूपी में तो अच्छा इनको वो मिलेगा वेटेज उसका बीजेपी को। मैडम, एक बार फिर जो है चुनाव सामने है, क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव में, क्या लगता है आपको कि कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म? सर, वो तो सभी को ही पता है, अभी हमारे मोदी जी छाए हुए हैं हर जगह, और मैं भी चाहूंगी कि मोदी जी ही आए, और तो उनके अलावा तो करूंगी। वजह क्या है मोदी जी को इतना पसंद करने की वजह? सर, मोदी जी को पसंद करने की वजह तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, उन्होंने क्या नहीं किया सर, आप ही बताओ। राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए, हमारे रामलला आ गए,
मुझे तो उनसे बढ़कर अभी कोई भी नहीं लगता है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे भी हैं, लोग चर्चा करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का परफॉर्मेंस कम कहते हैं कि कम है, आपको लगता है? कम तो सर मैं कहीं से भी नहीं कहूंगी। आज जितने भी पब्लिक सेक्टर है आप देख लो, वो सब अभी आजकल इस उसमें है कि कहीं हम प्राइवेट में ना बदल जाए। क्यों? कहीं ना कहीं यही हो रहा है ना कि रोजगार बढ़ाने के लिए वो, क्योंकि क्या होता है पब्लिक सेक्टर का आजकल नाम ही खराब है कि पब्लिक सेक्टर तो सिर्फ बैठ के पैसे लेते हैं करके, बट वो उस चीज को भी लगे हुए हैं। तो सर मुझे तो लगता है वो हर जगह से हर चीज के ऊपर उन्होंने सही किया है, और मोदी जी के अलावा तो मोदी जी सेकंड नंबर पे ही होगी, उनके अलावा तो और कोई भी नहीं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, बीजेपी में सुरक्षित है महिलाएं? हाँ सर, बहुत ज्यादा सुरक्षित है, बहुत ज्यादा। तो ये है शहर की महिलाएं जिनका कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट में महिलाएं सुरक्षित हैं, काफी हद तक लोगों को सुरक्षा का माहौल भी मिल रहा है। यहाँ भी देखें अगर तो व्यंजनों का लुत्फ ले रहे हैं भाई साहब, काफी लजीज व्यंजन है ऐसा लग रहा है। जी सर, क्या पसंद है चौपाटी में? फुल्की और चाट, और यहाँ का मैसूर मसाला डोसा बहुत ही शानदार बनाते हैं। मैं यहाँ पर करीब 12 साल से आ रहा हूँ, और मैंने यहाँ अमित भैया का खाया था मैसूर मसाला डोसा, वो आज भी खाता हूँ। फिर वहाँ की वो फुल्की और चाट दोनों पसंद है मुझे। राजनीति पसंद है? राजनीति से मतलब नहीं है, राजनीति वो दलदल है, यहाँ पैर डालो तो अंदर ही धंसोगे, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। अभी वोट तो देना पड़ता है, अगर बात करें कि अब फिर से चुनाव सामने है लोकसभा के, कौन सी पार्टी पसंद है, कौन से नेता पसंद है? भाजपा बेस्ट है, नरेंद्र मोदी बेस्ट है, काम तो अच्छे करा रहे हैं, सारी चीजें अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छा है, समय के साथ साथ चीजें बढ़ रही हैं। और क्या अपेक्षा लगती है, जैसे मोदी जी के तमाम काम तो सभी ने बताए, क्या उम्मीद करते हैं कि और कौन से काम देश के लिए प्रदेश के लिए होना चाहिए? यूथ के लिए ज्यादा अच्छा काम चल रहा है उनका, और आगे और भी अच्छा काम हो सकता है। उसके अलावा डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, समय के साथ साथ चीजें बढ़नी है, ज्यादा बेटर है कि ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो, ज्यादा अच्छे तरीके से नौकरियां आए या बिजनेस डेवलप हो, वो ज्यादा बेस्ट है। नौकरियां और बिजनेस को लेकर के सरकार को फोकस करने की जरूरत है, मतलब आज के समय की जरूरत है। जरूरत है नौकरी और बिजनेस, जैसे बिजनेस डेवलप होगा तो नौकरी ज्यादा निकलेंगी, बिजनेस पर फोकस होगा तो नौकरियां तो वैसे भी बढ़नी है, तो बेस्ट है दोनों चीजों पर फोकस होगा, उसके साथ साथ पर डेवलपमेंट चलेगा। तो बिजनेस अगर डेवलप होगा तो नौकरियां भी बढ़ेंगी, तो बीजेपी गवर्नमेंट की नीतियां, बीजेपी गवर्नमेंट का काम, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे देश के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये तमाम चीजें लोगों को खासी पसंद आ रही हैं। तो ये चौपाटी का जो माहौल है ये इस बात को बता रहा है कि यहाँ भी लोगों के बीच में चर्चा चुनाव की होती है, भले ही कम होती हो, लेकिन लोगों को खासा रुझान है। सर चौपाटी पहुँचे हैं, किस तरह के व्यंजन पसंद आ रहे हैं? बहुत अच्छे व्यंजन है यहाँ, और हर चीज लाजवाब है, बहुत टेस्टी रहती है, और बहुत सफाई का ध्यान रखा जाता है इधर पे। जैसे यहाँ व्यंजनों का लुत्फ ले रहा है, ऐसे ही राजनीतिक माहौल भी है, उसका भी लोग काफी लुत्फ अच्छा ले रहे हैं। बहुत अच्छा राजनीतिक अभी जो माहौल है, उस माहौल में क्या लग रहा है, किस तरह के मुद्दे अभी होंगे? मुद्दे खींचातानी चल रही है दोनों तीनों पार्टियों में आपस में, और मजबूती तो नो डाउट बीजेपी की है। बीजेपी जी, बीजेपी आगे है, मजबूती उसी की है। मजबूती की वजह क्या? काम उनका बहुत अच्छे काम किए हैं, वो सबको दिख रहा है, जनता देख ही रही है क्या किसने क्या काम किए हैं। कांग्रेस भी दावे करती है कि हम महिलाओं के लिए भी करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, 50 साल लगभग कांग्रेस ने शासन किया है देश पर, अगर उन 50 सालों की तुलना इन 20 सालों से की जाए तो क्या लगता है कौन सा कार्यकाल बेहतर? कांग्रेस का कहां कभी बेहतर था, बेहतर शब्द तो केवल किताबों में है, काम में तो कभी उनका बेहतर नहीं दिखा, और बीजेपी का काम हमेशा बेहतर दिखा, कार्यकाल भी बेहतर, काम भी बेहतर, सुविधाएं भी बेहतर। अगर वर्तमान की बात करें तो इस बार भी जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल प्रमुख हैं जो पूरे देश में एक दूसरे के आमने सामने हैं। अगर बात करें तो अब क्या लग रहा है कि इस बार जो है चुनाव में राहुल गांधी और मोदी के बीच में टक्कर कितनी दूर? टक्कर तो 2080 की है, 2080 भी नहीं काउंट किए जाएगी तो टक्कर तो कहेंगे नहीं उसे, क्योंकि हर कोई जानता है कि मतलब 400 प्लस ही आ रही है सीटें, 400 450। यस डेफिनेटली बीजेपी दावा कर रही है वो, आपको लग रहा है? यस श्योर श्योर।
वजह कांग्रेस में कमी क्या लगती है, कमजोरी? बीजेपी का काम जो दिखता है वो कांग्रेस का काम कभी देखा नहीं। कांग्रेस तो कहती है मैं 50 साल में IIT IIMs और वैज्ञानिकों के लिए संस्थान DRDO ये तमाम चीजें जो आज देश में दिख रही हैं जिसको बीजेपी और डेवलप कर रही है, इसकी नींव तो कांग्रेस ने रखा, केवल घोषणाएं की लेकिन काम को अंजाम किसने दिया? बीजेपी ने दिया। घोषणाएं की, शुरुआत किया कांग्रेस ने, लेकिन काम को अंजाम तो सभी जगह बीजेपी में दिया है। अच्छा, भविष्य को देखकर क्या लगता है कि कौन से और काम है जो देश के लिए प्रदेश के लिए होना जरूरी है, या बीजेपी को अगर सुझाव देना हो आम नागरिक होने के नाते क्या सुझाव नहीं? देखिए, अपनी तरफ से हर कोई बीजेपी अपनी पार्टी जो है अपने तरफ से पूरा एफर्ट्स डाल रही है, पूरे काम को कर रही है। मुझे कुछ कहने के लिए नहीं है कि कुछ कहीं कमी रह गई है उनके काम में। और बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, जो बड़े बड़े एनालिसिस हैं, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो आम लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी बेहतर है, बीजेपी का काम बेहतर है। अभी तो बीजेपी का ही माहौल दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, पेपर लीक है, और MP में बहुत सारा कर्ज है गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन फिर भी मतलब बीजेपी के काम ऐसे रहे हैं जो बहुत बड़े, मतलब सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में भी, उसके कारण लोगों का झुकाव तो बीजेपी की तरफ है। मतलब माइनस पॉइंट तो है लेकिन प्लस पॉइंट ज्यादा है। हाँ, माइनस पॉइंट है, मतलब वो भी लोगों को दिमाग में रहता है, लेकिन लोग मेजोरिटी तौर पे कर रहे हैं। तो लोग बीजेपी को, जैसे जो माइनस पॉइंट है तो उसके कारण वोट परसेंटेज कम नहीं होता है, लेकिन बीजेपी का लगातार बढ़ता जा रहा है कम होने का। लोगों के मन में रहता है वो चीजें, लेकिन जब वो EVM के सामने जाते हैं तो वो चीजें नहीं दिमाग में आती हैं। वो फिर बहुत सारे जो बड़े मुद्दे हैं और जो भी उनके लिए, मतलब देश के लिए अच्छा रहता है, उसके लिए फिर उसमें ध्यान देते हैं लोग। हमने जो भी बातचीत की उससे यही स्पष्ट होता है कि लोगों के रुझान, लोगों के जो मन है वो मोदी की तरफ है, और लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट देश में बने। पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर।